मॉर्निंग क्लास कक्षा 11 राजनीति शास्त्र पाठ का नाम है बेटा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की अधिकार शक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे संविधान द्वारा सृजित किया गया है कि राष्ट्रपति की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में जो है जो देख रेख जो कार्यभार संभालेगा वो जो है उपराष्ट्रपति जो है संभालेगा, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी कहलाएगा, ठीक है बेटा। मतलब जो क्वेश्चन आएगा कि उपराष्ट्र जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो आप देखेंगे उपराष्ट्रपति होता है। फिर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। फिर बेटा उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला जो जरूरी योग्यता होती है कि सबसे पहली योग्यता तो हर चीज में मान लिया गया है कि वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। और उसकी उम्र 35 यानी 35 ईयर का वो जो कम से कम पास होना चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए जो है ये 30 वर्ष है, ठीक, वो 25 वर्ष है, ठीक है बेटा। अब तीसरी योग्यता है कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखे, बिल्कुल। मतलब जैसे राज्यसभा के लिए जैसे किसी जो वो सदस्य होते हैं जिनको कला विज्ञान के क्षेत्र में जो है जो उपलब्धि होती है जिनकी, उनको किसी भी क्षेत्र में चाहे समाज सेवा हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, उनको जो है राज्यसभा के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो इसी तरह से जो है वो कम से कम राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यानी कि काफ़ी वरिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति वो होना चाहिए। फिर अगली योग्यता है कि वो किसी भी जो है सरकारी पद पर या लाभ के पद पर जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर अब है बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बेटा 5 साल का होता है, और उससे पहले भी जो है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पद का त्याग पत्र दे सकता है, अपने पद से अपने पद को त्याग सकता है, या उसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको उसके पद से पदच्युत यानी कि हटाया जा सकता है, ठीक। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति को बेटा 1,25,000 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं जो है जो निर्धारित पत्ते हैं सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती है। फिर उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति का मतलब ये कि जितनी भी उसकी बैठकें होती हैं उन सब की अध्यक्षता वो करता है। मतलब जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति होता है, उसको जो है स्थगित करना या मतलब बुलाना या जो भी उसकी शक्तियाँ होती है वो बिल्कुल लोकसभा के स्पीकर के समान होती है। फिर है राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति, यानी हमारे देश का जो जैसे राष्ट्रपति है उपस्थित नहीं है, तो उस समय उस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है बेटा। अब है ये तो हो गया उपराष्ट्रपति, अब बात आती है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बेटा अब हमारे यहाँ जो है संविधान के अनुसार देखो पूरे देश में केंद्र सरकार के ऊपर कौन रहता है, राष्ट्रपति, ठीक, और जो राज्य सरकार है उनके ऊपर है राज्यपाल। मतलब उनकी एक व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, राज्य में जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि वही सिस्टम है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री राज्यपाल, ठीक है। तो इस तरह से जो है व्यवस्था की गई है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बेटा हम देखते हैं हम जो है अपने लोकतंत्र है हमारे देश में, हम अपने प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो है हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जो पार्टी जीतती है हमारे यहाँ जो दल विजयी होता है उसको जो है लोकसभा में जो है लोकसभा में अंदर जिस दल का हमारे यहाँ देखो कई बहुदलीय प्रणाली, लेकिन हमारे यहाँ जो मुख्य राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो हमारा इस समय देखो कौन प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। तो इस समय सबसे ज्यादा सीटें हमारे देश में किसने जीती हैं,
बीजेपी और उनके सहयोगी दल। तो अब क्या होता है कि जिस दल को जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, उसी दल को जो है, उसी दल के नेता को जो है राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री पद के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तब वो दल ही आपस में निश्चित करता है कि हम में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, मतलब माना बीजेपी के ज्यादा सीटें आ गई तो बीजेपी को बोलेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए, कांग्रेस की ज्यादा आ गई तो कांग्रेस को बोलेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे लोकसभा में जिस दल को जो है सबसे ज्यादा बहुमत होता है, सबसे ज्यादा जिसके सीटें होती हैं, सबसे ज्यादा जिसके प्रत्याशी जीत के आए होते हैं, उसको जो उस दल के जो नेता को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। तो प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत जिस दल के पास हो, उस दल का जो व्यक्ति होता है। ठीक, अब है प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक, प्रधानमंत्री के कार्य सबसे पहला है प्रधानमंत्री सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल के नामों की जो सूची होती है उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति उस पर जो है जब अपनी सामान्यता इस पर जो अपनी क्या करता है, स्वीकृति प्रदान कर देता है। फिर जो है उसके प्रधानमंत्री क्या करता है, जो मंत्री है उनके अंदर जो है विभागों का बंटवारा करता है, उनके कार्यों को जो है अलग अलग उनके बीच में बांटता है। ठीक है बेटा, तो अब जैसे कभी समय आने पर कभी मंत्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, कभी घटानी पड़ती है, तो ये जो है प्रधानमंत्री की सोच में नियुक्त करता है। फिर है कार्यपालिका का प्रधान, जो प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिपरिषद को जो हम कार्यपालिका कहते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रियों का जो समूह होता है उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे हमारे गांव में जो है ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत का जो पूरे पंचायत होती है उसमें जो है पंच होते हैं, प्रधान उप प्रधान, इस तरह से जो है ये लोग पूरी कार्यकारिणी होती है, वो पूरे गांव को देखते हैं। उसी तरह से जो है हमारे यहाँ संसद में भी जो है मंत्री होते हैं, वो अपने अपने कार्यों को अपने देश के विकास के लिए संपादित करते हैं। उसी तरह से जो है जो मंत्री कार्यपालिका होती है उसको मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। वो मंत्रियों का एक समूह है, यानी कि सारे मंत्री उसमें है, तो उसका एक समूह मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका उसी को कहते हैं। मतलब जो भी कार्यपालिका की जो भी शक्ति है हमारी, मतलब मेन पावर जो है मंत्रिपरिषद, उसको भी हम कार्यपालिका कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है उसका प्रधान होता है, वही जो है ग्रहों का बंटवारा करता है, वही उसी के अधीनस्थ जो है सभी कार्य जो मंत्रालय होते उनके संपन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि मेन प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या है कि नाम मात्र की कार्यपालिका जिसको हम कह सकते हैं। फिर है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, जितनी भी मंत्री है उस मंत्रियों का समूह जो मंत्रिमंडल में निकाल, जो वास्तविक कार्यपालिका हम बोलते हैं कि उसकी जो वास्तविक शक्ति हो कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल में, तो कहने का मतलब है कि उसका अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री करता है, उसकी बैठकों का आयोजन भी करता है। फिर है बेटा लोक सदन का नेता, लोक सदन को जो लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से हम चुनते जाते हैं, उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व उसी के पास होता है। फिर है विदेश नीति का निर्माण करना, प्रधानमंत्री जो है अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। अब आप आजकल देख रहे हैं भारत चीन का तनाव, तो पीएम मोदी की जो विदेश नीति रही सबके साथ मित्रता करने वाली, तो देखिए कि आज सारे विश्व के लगभग जितने भी देश हैं, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो, अमेरिका का मकसद चाहे चाइना को नीचे दिखाना हो, एशिया में अपना दबदबा बनाना हो, लेकिन आज जापान ऑस्ट्रेलिया ये अमेरिका जैसे देश जो है भारत के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी की जो विदेश नीति है उन्होंने सबके साथ मित्रता की बात की है। फिर जो है योजना आयोग, योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना की गई योजना आयोग, लेकिन 2015 से इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग हमारे देश के लिए जो है नई नई योजनाएं बनाना, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है।